प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप सब? मेरे जी तो बहुत अद्भुत प्रकाशन और शैतान के जड़ पे वार है ये आज का प्रकाशन। हालेलुया। टाइटल में देखा होगा, बिल्कुल आजकल की लड़कियां शारीरिक संबंध यानी कि सेक्स करने से पीछे नहीं हटती है। बहुत कुछ याद बोलने के लिए, शांत होकर सुनना, बहुत गहरा वचन है मेरे जी तो। और आज मैं कंप्राइज बताऊंगा आपको कि आज और आज से 20 साल पहले का और आज में कितना फर्क है, क्यों शैतान ने आज इन बहनों को इस्तेमाल कर रहा है, कैसे कर रहा है। बहुत गहरा है, ये सबके जीवन में है मेरे अजीजों। आपके घर में एक बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, या कोई भी हो सकता है, आप खुद एक लड़की हो, तो आज आपको खुद इस सवाल का जवाब मिलेगा। और ये बात हकीकत है कि आज के मुकाबले इस टाइम जो प्रेजेंट चल रहा है, 2022 जो प्रेजेंट चल रहा है, उसमें क्यों लड़कियां सेक्स करने से पीछे नहीं हटती है, क्यों इतनी उतावली है, क्यों ऐसा हो रहा है आजकल, क्यों लड़कियों की जिंदगी खराब हो रही है। आज हर एक बहन के टॉपिक पे परमेश्वर मुझे वचन दिया है। आइए प्रार्थना करके, धन्यवाद करता हूँ पिता, मेरा बोलना तेरी ओर से। पिता आज सभी बेटी बहन लड़कियों के जीवन में अद्भुत काम कर, आज शैतान को बर्बाद कर रहा है, अंधकार में डाल रहा है और सुसाइड पर भी ले जाता है, लेकिन आज इस शैतान की जड़ पे आपने वार करा है और आज सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और सब नया हो जाएगा और ये परिवर्तन हो जाएगा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे तो बहुत खास है प्रकाशन, बहुत बड़ा प्रकाशन परमेश्वर ने दिया है, बीती रात प्रभु ने मुझे दिया, और ये आपके जीवन में ये प्रकाशन इसलिए दिया है ताकि आप बच सके और आपका परिवार बच सके। हालेलुया। बहुत गहरा है मेरे जीजो, मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ इस प्रकाशन के लिए। और मैं आपको मैं बताया ना कि मैं आपको एक कंपेरिजन बताऊंगा कि आजकल की लड़कियां और आज से 22 यानी कि 20 साल पहले की लड़के में कितना फर्क है, क्यों शैतान ने आज लड़कियों के अंदर ये सेक्स का आत्मा डाल रखा है, चाहे वो हंस मसुन के जरिए हो, चाहे फिजिकल के जरिए, क्यों लड़कियां शारीरिक संबंध से पीछे नहीं हटती, बल्कि ये महापाप होता है, जानते हुए भी ये पाप हो जाता है। आइए प्रार्थना करके वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा सबकी आंखें खोला, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, प्रभु की बेटियों, प्रभु के बेटों, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। आप सब मेरी उम्र के हो और छोटे बड़े सब होंगे, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हर एक लड़का लड़की, हर एक माँ बाप से निवेदन करूंगा कि सबको ये टॉपिक पे यानी कि ये वीडियो दिखाए, शेयर करें, क्योंकि शैतान की हार है और आपकी जीत है इस प्रकाशन से। हालेलुया। मैंने कहा कि मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा और कंपैरिजन मैं आपको अपनी लाइफ से भी और एक सच्ची लाइफ से, मतलब एक रूबरू कराना चाहता हूँ। दो लाइफ है, एक आज की 2022 और एक सन 2000 की, यानी कि जब मोबाइल नहीं था, जब इंटरनेट का इतना क्रेज नहीं था, उस समय और आज में कितना फर्क आ गया है। मेरे से तो गुना पहले भी होते थे, लेकिन गुना अफेयर जिसे कहते हैं, यानी कि एक लवरशिप लड़का लड़की के, आज से 20 साल पहले, आप सब जानते हो, एक सवाल पूछूंगा, कितने लोग करते थे? अगर मैं कंप्रेस बताऊं, 100 में से कितने लोग, जब हम स्कूल टाइम में कोई लड़का ये बोलता था ना कि मेरी गर्लफ्रेंड है, तो हम कहते चल मजाक कर रहा है, फेक रहा है, झूठ बोल रहा है, क्योंकि नामुमकिन था किसी गर्लफ्रेंड बनाना, क्योंकि इंटरनेट नहीं था, चैटिंग नहीं थी, और कोई हो भी जाता, क्योंकि बहनें भी घर से बाहर नहीं निकलती थी, सेफ रहती थी, यानी कि निकलती थी तो डर था माँ बाप का, संस्कार का, ऐसा ही है। पाप जब भी होते थे, लेकिन पाप की एक कहते ना एक ग्राफ देखो, और 100 में से कोई बहन किसी के साथ अफेयर करती भी थी तो उसकी इतनी पिटाई होती थी कि वो छोड़ देती थी। सही बात है, लड़कों के अंदर शुरू से शैतान का हैवी सेक्स का आत्मा रहता है, लेकिन लड़के भी कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि एक बात मैं कहना चाहता हूं, एक मोहल्ले में 10 लड़कियां हैं, सुनो, जवान है लड़कियां, और उसमें एक लड़का है पैसे वाला, रिच है, यानी कि पैसे वाला है, हैंडसम है, गाड़ी है, वो 10 के 10 लड़कियां नहीं चाह रही कि हमसे फ्रेंडशिप करे या हमसे, बस वो भाई मानती है, सच्चे मानते, यानी कि मन में भाई मानती है, और वो भाई बोलती है सुनो, वो लड़का सब कुछ कर लेगा लेकिन लड़की हाँ नहीं करेगी, तो वो हार जाएगा। बहुत गहरा टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको, समझ रहे हो, यानी कि वो लड़का हार जाएगा जब तक कि लड़कियों की हार ना हो, समझ रहे हो। लड़कों का सबक सिखाने का ये कि जब लड़की हार नहीं करती तो वो कुछ नहीं होता। मैं रेप बलात्कार की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो लड़की के साथ, बहनों के साथ हादसा होता है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब एक लड़का चाहे कितना हैंडसम हो, कितना पैसे वाला हो, वो चाह के भी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले, ऐसा पहले होता था।
बहुत साल लग जाते थे। और जब कोई लड़का, मैं आज से 22 साल 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कोई लड़का किसी से अफेयर करता था तो पिटाई होकर छूट जाती थी, या बहुत मुश्किल होता था, फिजिकल तक तो बात आती ही नहीं थी। ये बात हम और आप जानते हैं। 100 में से 10% होगा पहला, 20% होगा, इतना ही था पहले। और लड़कियां डरती थी बात करने से भी। यही बात है ना, मैं पिछली बात की बात कर रहा हूं, आज से 20 साल पहले। उसी टाइम मुझे एक भूषण याद आई, कि मुझे नहीं पता किसने की थी, लेकिन मेरे कान में आई कल, कि किसी ने कहा था कि आने टाइम में शैतान जो सेक्स का आत्मा भाइयों में है ना, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, वो हसमसन कर सकते हैं, वो व्यभिचार नहीं कर सकते। यानी कि वो कैसे लड़की को इम्प्रेस करे, क्योंकि लड़की के अंदर शैतान का आत्मा नहीं था, ये शैतान की प्लानिंग चल गई थी। और वो भविष्यवाणी हुई थी किसी के दास के द्वारा, मुझे नहीं पता वो कौन है, बिल्कुल मैं भूल चुका हूँ, बस ये भविष्यवाणी याद है कि ने कहा था कि आने टाइम में शैतान लड़कियों के अंदर ये आत्मा डाल देगा। और जब लड़कियों के अंदर ये आत्मा है तो यकीन मानना, एक लड़की चाहे तो 24 घंटे में कितने बॉयफ्रेंड बना सकती, ये हम सब जानते हैं। और आजकल का ये फैशन है, पहले मैंने कहा था हमारे स्कूल टाइम में लड़कियां गर्लफ्रेंड नहीं होती थी, पहले बहुत मुश्किल थे, क्योंकि बात करना भी डर एक खौफ था पहले। चैटिंग नहीं थी, मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था। और जब कोई ये बोलता था कि मेरी ये भाई गर्लफ्रेंड हो गई है, कोई बिलीव नहीं करता था, फिर कह रहा भाई हमें मिलकर दिखा, यही होता था। जो पहले की बात, जो 20 साल पहले की, आज आज के टाइम में, मैं आपको फिर प्रेजेंट में ला रहा हूँ, आज के टाइम में अगर आज कोई ये बोलता है भाई मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो कोई बिलीव नहीं करेगा। बल्कि अगर आज कोई ये बोलता है कि मेरी 5 गर्लफ्रेंड है, तो हंस के मार लेंगे, हाँ होगी भाई, क्योंकि तेरी 5 मेरी 4 है। क्यों इतना क्रेज हो गया, क्यों? क्योंकि आज अगर कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाता, बॉयफ्रेंड नहीं बनाता, तो उसकी सहेलियां, उसके दोस्त उसे बोर कहते, उसे कहते हैं तू बेकार है, एक बैड लैंग्वेज में बातें करते हैं, तेरी बस की कुछ नहीं है। अगर आज एक लड़की सही चलती है तो उसके कोई दोस्त नहीं बनेगा, खासकर लड़कियां भी छोड़ देगी, भाई तू हमसे बात मत कर, भाई हमारे तो 5 5 बॉयफ्रेंड है, दो दो है, तीन तीन है, क्यों हो रहा है ये? और वो ना चाहते हुए शैतान उनको पाप में डाल देता है। दूसरी बात, मैं सेक्स की बात कर रहा हूँ, व्यभिचार की बात कर रहा हूँ, शारीरिक संबंध की बात कर रहा हूँ। लड़की आपको पता होता है कि ये बॉयफ्रेंड बन गया, आज की डेट में आज बॉयफ्रेंड बना, आज प्रपोज एक्सेप्ट हुआ, लड़की ने कहा 3 दिन के अंदर फिजिकल हो जाएगा, और पता है कि वो शादी करे ना करे, और खुद लड़कियां चाहती है फिजिकल होना, क्यों? उससे लगता है कि इससे फ्रेंडशिप मजबूत हो जाती है, हमारे बॉयफ्रेंड हमें छोड़ के नहीं जाएगा, और छोड़ के जाता है। एक से गलती हुई, चलो कोई बात नहीं, अगर एक से गलती हुई पर माफ करे, तुरंत तो दूसरा रेडी है, पेंडिंग में पड़ा है। यानी कि सेट लड़कियों के अंदर इतना शैतान डाल दिया है कि उस बिना रुक ही नहीं सकती, और चाहत, और पता है उनको, पता है उनको कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे सेक्स करके छोड़ देगा, मैं ना घर के रहूंगी ना घाट के रहूंगी, मैं अपने माँ बाप से बैर रख रही हूँ, मैं अपने जिस्म से बैर रख रही हूँ, मैं खुदा के मंदिर से बैर रख रही हूँ, फिर भी वो हो जाती है, और उसके बाद पछताना रहता है। कई लड़कियाँ सुसाइड पॉइंट पे पहुंच जाती है, कई लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। और आज के डेट में, इस 2022 में, पहले की बात बताऊं तो 20 से 30 साल की उम्र में कोई अफेयर करता था, 20 भी नहीं, 25 से 30। आज आज की डेट में 15 साल होते के साथ ही बॉयफ्रेंड बनना शुरू हो जाते हैं, 15 16। मेरी गली में से दो तीन लड़की जा रही, मैं आपको पहले ही बताया था, याद होगा, उनकी लैंग्वेज कितनी उम्र की होगी, वो 15 साल 16 साल, जब हमारा कोचिंग सेंटर चलता था यहाँ पे, तो उनकी लैंग्वेज देख के मैं हैरान हो गया। जिस उम्र में हमें कुछ नहीं पता था, है ना, आपको नहीं पता होगा, बहन है ना, आज से 20 साल पहले, आज उनकी उम्र में 15 साल 14 साल की उम्र में उन लोग बॉयफ्रेंड की बात करते, फिजिकल रिलेशन की बात करते, इतना क्रेज क्यों हो गया? अगर आज एक भी बहन अपन में कंट्रोल करे और ये सेक्स का आत्मा से निकल जाए, व्यभिचार का आत्मा शैतान का निकल जाए, तो मैं कहता हूँ कि बॉयफ्रेंड बनना बंद हो जाएंगे, गर्लफ्रेंड बनना बंद हो जाएगी, क्योंकि लड़का कितनी भी कोशिश करेगा हार जाएगा, अगर लड़कियां उनको कड़क जवाब देने लगे। लेकिन नहीं, क्योंकि आजकल के डेट में अगर किसी को बहन जी बोल दो तो चिढ़ जाती है लड़कियां, क्योंकि अगर फेसबुक कमेंट पे करो ना, तो उनकी बॉडी की तारीफ करो, उनकी फिगर की तारीफ करो, तो वो इंप्रेस हो जाती है, क्योंकि शैतान ने सेक्स का आत्मा इतना भयंकर डाल दिया है, क्योंकि शैतान को पता था कि अगर ये आत्मा लड़की में डल जाएगा तो पूरी दुनिया बर्बाद हो सकती है, हर एक मोहल्ला बर्बाद हो सकता है, क्योंकि सेक्स इंट्रैक्शन लड़की की तरफ ज्यादा होता है आज, कपड़े की वजह से, इंटरनेट की वजह से,
पिता ने उनको अंधा कर दिया है, इसलिए वो चाह के भी दूरी नहीं बना पाती और बहुत जल्दी रेडी हो जाती है, बहुत जल्दी जिसे कहते हैं आज फ्रेंडशिप हुई और कल फिजिकली रेडी। और आजकल आपको पता ही है कि बहुत बहनें अबॉर्शन तक पहुंच जाती है, लेकिन बहुत बहनें नहीं पहुंच पाती क्योंकि उनको पता है फिजिकल के पहले हम क्या यूज कर सकते हैं। आप समझदार हैं, शैतान ने इनके मन में ही डाल रखा है, तो इसको यूज कर ताकि फिजिकल में कोई प्रेग्नेंट ना हो जाए। आज शैतान की गढ़ पे ये क्यों हो रहा है मैं आपको वो बताऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि शैतान की प्लानिंग बहुत बड़ी है नाश करने के लिए प्रभु की बेटियों को। लेकिन परमेश्वर भी आपसे प्रेम करता है, वो आपका अनुग्रह करेगा। हालेलुया, एक ही वचन दूंगा और उसमें सब कुछ हो जाएगा कि शैतान क्यों लड़कियों को, बहनों को बर्बाद कर रहा है, कम उम्र की लड़कियों को, ज़्यादा उम्र की लड़कियों को, सबको वो टारगेट पे ले रहा है। क्यों आज सेक्स लड़कियों के अंदर इतना हैवी हो चुका है कि वो ना बॉयफ्रेंड दिखती, ना घर दिखती, ना बाहर दिखती, यानी किसी भी चीज़ पे नहीं टिकती है। इतनी सारी न्यूज़ आती है कि एक लड़की एक आदमी के साथ चली गई है ना, यानी कि वो यानी कि अंधा प्रेम, बिल्कुल अंधा। क्योंकि ये गलतियाँ आज लड़कियों की नहीं है, पर उन्होंने मुझे ये बताया ये लड़कियाँ, ये जो बहनें हैं, बेटियाँ हैं प्रभु की, ये शैतान की ओर से है। ये शैतान ने उनके अंदर ही आत्मा डाल दी है और आज वो आत्मा निकलेगी यीशु मसीह के नाम में। क्यों डाली आत्मा? क्योंकि शैतान परमेश्वर की प्लानिंग को नष्ट करना चाहता है, जो प्रभु कहता है उसे वो तोड़ना चाहता है। एक वचन मैं आपको दूंगा और इसी वचन में पता चलेगा, लूका एक अध्याय और उसका 26 से पढ़ूंगा, लूका 1:26 से लिखा है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबकी आंखें खुले और शैतान की आज हार हो जाए, गढ़ टूट जाए, और जो बहनें किसी भी रिलेशनशिप में है या उनसे गलती हो चुकी है उनको क्षमा करके वापस लेके आना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरी बहनों, चिंता की बात नहीं है, आज आपको ये वचन नया कर देगा, पवित्र कर देगा और आप चुने हुए लोगों आप वापस आओ। परमेश्वर आपको स्वागत कर रहा है। जब मुझे प्रभु ने बाहर भेजा यानी कि वापस आया, तो मुझे भी तो प्रभु ने हर गुनाह से क्षमा करा। लिखा है लूका 1:26, उसका 26 वचन कहता है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जबाइल दूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, कुंवारी के पास, यहां तक ना वर्ड, भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के क्रूस से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। परमेश्वर के दूत कहां होते? कुंवारियों के पास, परमेश्वर का पैगाम लेने के लिए। हालेलुया, प्रभु अब शैतान को पता है कि आज की कुंवारी लड़कियां ये परमेश्वर की सेवा करेगी, ये परमेश्वर की संतान बनेगी, ये परमेश्वर के लोगों की महिमा करेगी, इनकी शादियां एक परमेश्वर घराने में होगी, एक अच्छी क्या कहते हैं अच्छी परवेश के साथ परमेश्वर में चलेगी, एक राजघराने की, यानी कि परमेश्वर के लोग कौन है? राजघराने के। हालेलुया, यानी कि शैतान को पता है कि इन पे सुपर ब्लेसिंग है। शैतान इस सेक्स के द्वारा, इस व्यभिचार के द्वारा आपको उस ब्लेसिंग से हटाना चाहता है, कुंवारी से यानी के वर्जन से आपको बिल्कुल इस चीज से हटाना चाहता है। यहां लिखा है कुंवारी के पास भेजा गया, कौन? जब्राइल सरदूत। हालेलुया, तो पहला शैतान का काम है कि कोई भी लड़की कुंवारी ना रहे, क्योंकि शादी तक पहुंचते पहुंचते, मैं फिर कहता हूं मेरे अजीजों, अगर शादी किसी लड़की की 25 साल में है, उससे पहले पहले शैतान इतनी बार फिजिकल करा देता है। धन्य है वह लड़कियां जो पाप से बच जाती है, क्योंकि वही बात है कि इंसान अंधेरे में रह रहा है, यानी कोयले में रह रहा हो, काला ना हो, ये परमेश्वर के अनुग्रह से ही हो सकता है। और शादी के बाद राज खुलता है, और शादी का तलाक होने का सबसे बड़ा कारण भी यही है। तो पहला पॉइंट है कि उस कुंवारी मरियम, उस कुंवारी का नाम मरियम था, यानी जिब्राइल सरदूत कुमारी के पास भेजा गया, क्योंकि बड़ी प्रतिफल मरियम के जीवन में था, यीशु मसीह आने थे। सरदूत ने उसके पास भीतर जाके कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई, सोचने लगी ये किस प्रकार का अभिनंदन है, किस प्रकार का अभिनंदन है। बिल्कुल मेरे से किस प्रकार का अभिनंदन है, सुनो। वह इस वचन से बहुत घबरा गई, सोचने लगी ये किस प्रकार का अभिनंदन है। सरदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की प्लानिंग थी कुंवारी लड़कियों के जीवन में परमेश्वर का ब्लेसिंग। हालेलुया, यीशु मसीह चुनते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह को कुंवारी के आना पड़ा। आप समझ रहे हो बात का, यानी कि परमेश्वर की प्लानिंग थी सिर्फ एक महिला के लिए, लेकिन सब महिला का उद्धार यीशु मसीह के द्वारा हो गया। हालेलुया, यीशु मसीह को क्यों महिला के द्वारा आना पड़ा? क्योंकि महिला का उद्धार आना है।
हवा ने पाप करके वो उद्धार गवा दिया, यीशु मसीह के आने के बाद वो उद्धार वापस आ गया, परमेश्वर का अनुग्रह वापस आ गया। शैतान ने यही बात पकड़ ली। शैतान ने कहा जब परमेश्वर यानी कि परमेश्वर की प्लानिंग जान ली कि आज वो उन लड़कियों के जीवन में अपना अनुग्रह देना चाहता है, अपना यीशु मसीह की लाइफ यानी कि यीशु मसीह का अनुग्रह प्रेम उन लड़कियों के जीवन में देना, उनका फ्यूचर ब्राइट होना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई एमबीबीएस, कोई वकील, कोई परमेश्वर की सेवा, खासकर परमेश्वर के राज्य में जीना चाहता है, तो उससे पहले शैतान ने वहीं से सोच लेता कि मैं भी कुंवारी लड़कों पर अटैक करूंगा। और आगे यही हम वचन पढ़ते हैं, देख तू गर्भवती होगी, तेरे पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, वह महान और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु यीशु और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन देगा और वे याकूब के घराने का सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने सरदूत से कहा यह कैसे होगा, मैं तो उस पुरुष जानती नहीं। सरदूत ने उसे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया, तुम्हारे लोगों से परमेश्वर प्रेम करती है। और शैतान ने प्रभु की प्लानिंग को जानता ही है, जैसे शादी प्रभु की प्लानिंग से होती है तो शैतान अपनी प्लानिंग डालता है, प्रभु ने सब कुछ सृष्टि रखी अपनी प्लानिंग के लिए तो शैतान ने अपनी प्लानिंग डाल दी, समझ रहे हो। प्रभु ने म्यूजिक रखा अपने लिए, शैतान ने म्यूजिक इस्तेमाल करने लगा। परमेश्वर जो चीज अपने लिए बनाता है शैतान उसे अपने लिए ले लेता है। शैतान प्रभु ने मनुष्य बनाया अपने लिए तो शैतान ने भी मनुष्य को छीन लिया अपने लिए, लेकिन आज वही मनुष्य वापस आ रहे यीशु मसीह के नाम में। और अंतिम वचन पढ़ूंगा इसी का 38वां, मरियम ने कहा देख मैं प्रभु के दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, तब सरदूत उसके पास से चला गया। तो परमेश्वर की दासी बनती है और प्रभु को पता है मेरे से तो कुमारी लड़कियां परमेश्वर की दासी बनेगी, वर्षिपर बनेगी, प्रभु की महिमा करेगी और शैतान के गढ़ को तोड़ देगी। इसलिए उसने टारगेट रख लिया है कुमारी लड़कियों का अटैक करना, उनको सेक्स में आत्मा डालना, क्योंकि जब एक लड़की के अंदर ये आत्मा पहुंच जाती है तो मेरे आपको पता है ना कि कितने जीवन को बर्बाद कर सकती है, आपको पता है। तो आज परमेश्वर आज ये आत्मा उनके अंदर से निकालेगा और जब वो आत्मा उनके अंदर से निकलेगी तो प्रार्थना करेगी तो कोई भी लड़का चाहे कितना भी रहीस हो, कितना भी हैंडसम हो, कितना भी प्रपोज करेगा, वो नहीं पिघलेगी, नहीं उनके चक्कर में आएगी, नहीं झूठे वादों में आएगी, इस व्यभिचार के चक्कर में अपने माँ बाप तक को भूल जाती, परमेश्वर तो बहुत दूर की बात है। तो आज प्रभु ने बताया है इस राज के बारे में, ये राज बहुत गहरा था मेरे जी, बहुत बड़ा था, कि ये बहुत भयंकर टॉपिक था कि क्यों शैतान, क्यों लड़कियां आजकल शारीरिक संबंध से पीछे नहीं हटती है, क्यों एग्री जल्दी हो जाती है, क्यों उनके मन में यही रहता है आज आई बॉयफ्रेंड बन गया कल फिजिकल होना है, क्योंकि बहुत कम लड़कियां होगी जो बॉयफ्रेंड के बाद फिजिकल नहीं हो और उसके बाद आज उनके बाद ही लाइफ में हेल्थ में सुना जाता है, सेक्स का आत्मा बढ़ता चले जाता है। कितनी बहनों का मेरे पास कॉल आ चुका है, कॉल आ चुके हैं और वो एक से नहीं, फिर वो एक पाप की सीढ़ी स्टार्ट होती है, फिर वो इंसान करता जाता है, क्योंकि शैतान को पता है कोई भी बहने, कोई भी लड़कियां जल्दी से ड्रिंक एडिक्ट नहीं हो सकती, जुआ नहीं खेल सकती, है ना, यानी कि कोई भी अदर बुरे काम नहीं कर सकती, बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन ये काम बड़े आराम से हो जाते हैं, ट्यूशन हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, या अब तो इंटरनेट है, कहीं भी हो, और वो अंधे हो जाते हैं। इसलिए प्रभु ने आज आपकी आंखें खोली है, मैं विश्वास करता हूँ कि आप बदल चुके हो और अगर आपके अंदर आज ये वचन काम कर गया तो स्वागत है मेरे से आपका। आप अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाना, शेयर करना, जिससे कि आप अपने बच्चों को आने वाले खतरे से बचा सको। मैं उम्मीद करता हूँ आज प्रभु ने आपसे आंखें खोली है, आपसे बात करी है, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता वचन प्रार्थना के द्वारा, आज तूने सबके आंखें खोली है, सबके शैतानों के गढ़ को ढा दिया है, शैतान की प्लानिंग को तूने बता दिया है। आज बहुत सी लड़कियां विश्वास में आएगी और अंगीकार कर रही है पिता, उनके तन से जो पाप हुआ है अब वो नहीं करेगी, बहुत सारी ऋषि से तोड़ रही है पिता परमेश्वर, सब कुछ वापस करके आ रही है और बहुत लड़कियां जो ऐसा करने जाने वाली थी आपने उसे रोक दिया पिता, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड बार बार फोन कर रहा था, लेकिन आज वो सारी ऐसी बहनें बेटियां तेरी बेटियां वापस आ रही है पिता, पाप से, अंधकार से और प्राशी से रोक कर पिता, अपने घर को अपने मम्मी पापा से माफी मांग के वापिस आ रही है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, और जो शादी के बाद भी पाप में है वो भी वापिस आ रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि सेक्स का आत्मा चाहे शादी से पहले जब बाद में वो शैतान सब में डालता है, लेकिन आज वो आत्मा के अंदर से निकल चुका है और ये वापिस आ रहे प्राश्चित के साथ, और पितर को ग्रहण करना, क्षमा करना, पवित्र कर देना। और पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि प्रभु ने आपको छुआ, टच करा, आपका प्राश्चित ने आपको पवित्र किया है। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।